अस्सलाम वालेकुम, इजी कुकिंग शो के साथ हाजिर हैं। आज हम ढाबा स्टाइल भिंडी बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ढाबा स्टाइल भिंडी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट डाउन कर लें। आधा किलो हमने भिंडी लिए, इसे हमने धो के काट लिया है। तकरीबन एक कप के करीब दही लिया है, दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, इसमें कोई लम्स ना रहे। दो अदर टमाटर लिए हैं, टमाटरों को हमने धो के काट के उसकी प्यूरी बना ली है। एक अदद बड़े साइज का प्याज लिया है, इसे हमने काट लिया है। अगर छोटे हों तो आप दो प्याज ले लें। मसालों में हमने सफेद जीरा लिया है एक चाय का चम्मच, इसे हमने भून के पीस लिया है। हल्दी ली है एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लिया है एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च ली है आधा खाने का चम्मच, नमक लिया है आधा खाने का चम्मच। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है एक खाने का चम्मच। एक अदद बड़े साइज की हरी मिर्च ली है जिसे हमने काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे भी हमने धो के काट लिया है। कुकिंग ऑयल लिया है हाफ कप। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देगची में क्वार्टर कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम कटी हुई भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी को 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। भिंडी को हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। भिंडी को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। भिंडी को फ्राई करके हमने बाउल में निकाल लिया है। जिसमें हमने भिंडी फ्राई की है उसी तेल में हम प्याज फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने और नहीं शामिल किया, उसी ऑयल में ही हम प्याज को हल्का गुलाबी कर लेंगे। प्याज का हल्का सा गुलाबी रंग आ गया है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे। टमाटर के पेस्ट को और मसालों को हम इतना भूनेंगे कि तेल अलग हो जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए, तेल अलग हो गया है, मसाले से तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही के साथ हमने मसाले को भून लिया है। मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, दही का पानी खुश्क हो गया है, तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई की हुई भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी को हम हल्की आंच पे मिक्स कर लेंगे। भिंडी को हमने मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल कर देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। भिंडी को हम ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। भिंडी को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। तेल भी अलग हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हुई है ढाबा स्टाइल भिंडी। ढाबा स्टाइल भिंडी तैयार है, अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालते हैं। ढाबा स्टाइल भिंडी बनके तैयार है। भिंडी की हम और भी रेसिपीज बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ढाबा स्टाइल भिंडी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इजी कुकिंग शो को सब्सक्राइब करें। जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।